हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आरपी शर्मा, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वी न्यूज़ अपडेट्स पर। दोस्तों, आज की वीडियो में चर्चा करते हैं टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट 2021 बढ़ाने की मांग से चल रही है। प्रौद्योगिकी मोर्चा छात्र संघ के अध्यक्ष विक्की खान ने आयोग के सचिव से मुलाकात के लिए आवेदन किया है। यदि आज मुलाकात होती है तो वो एग्जाम डेट बढ़ाने की मांग करेंगे, क्योंकि टीजीटी पीजीटी की जब भी डेट घोषित होती है उस डेट से कम बीच का जो अंतराल होता है वो 7 दिन का होना चाहिए। लेकिन 24 जून को डेट घोषित हुई है और 24 जून से लेकर 7 अगस्त तक देखते हैं तो मात्र 40-45 दिन का अंतर दिखता है। ऐसे में विक्की खान आयोग के सचिव से मुलाकात करके इसकी जो डेट है उसको बढ़ाने की मांग करेगी और वो बोलेंगे कि कम से कम इसका जो डेट है वो 7 दिन का अंतर होना चाहिए, क्योंकि पिछली जो एग्ज़ाम होते थे पिछले एग्ज़ाम में भी ऐसा ही था कि 7 दिन का अंतर हुआ। यहाँ आप देख सकते हैं कि पीजीटी में 2595, टीजीटी में 12603 पद की भर्ती निकली है। दोनों की भर्ती की तारीख 24 जून घोषित की गई। टीजीटी की 7-8 अगस्त को, पीजीटी की 17-18 अगस्त को प्रस्तावित है। प्रतियोगी मोर्चा अध्यक्ष विक्की खान का कहना है कि परीक्षा तारीख कम से कम 7 दिन पहले घोषित करने का नियम है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं किया गया है। इसको ताक पे रख के आयोग ने काम किया। फर्जी व संदिग्ध शिक्षकों पर सख्ती, यानी कि आयोग ने सभी बेसे से मांगी रिपोर्ट। सूबे के 3049 एडेड जूनियर हाई स्कूलों में हुई थी नियुक्ति, क्योंकि अभी अभी जूनियर की जो भर्ती आई थी उसमें 1800 कुछ समथिंग पोस्ट खाली थे, लेकिन माना जा रहा था कि पोस्ट अधिक खाली थे, लेकिन जो बीएसए थे और जो प्रबंधक थे वो सब कालाबाजारी के चलते इनकी पोस्ट को छुपा लिया गया है। तो यहाँ देखते हैं कि शासन के निर्देश पर जिले के 106 एडेड जूनियर हाई स्कूलों के शिक्षकों व शिक्षण कर्मचारियों के अभिलेख उपलब्ध कराने के निर्देश खंड अधिकारियों को दिए, ताकि सत्यापन कहा जा सके। इस चुनाव मानव क्षमता पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। प्रदेश के 3049 सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में फर्जी और संदिग्ध शिक्षकों को लेकर शासन सख्त है। स्कूली शिक्षा विजय किरण आनंद ने 24 जून को सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों से ऐसे शिक्षक व 76 कर्मचारियों के अभिलेखों की जांच के निर्देश दिए हैं। यानी कि जो भी नियुक्ति भर्ती भी आने के पहले या बीच में जो भी इनकी ज्वाइनिंग कर दिया गया है प्रबंधक और बीएसए मिलके, वो शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई होगी और प्रबंधक के खिलाफ। क्योंकि अभी तक क्या था कि अभी तक प्रबंधक खुद भर्ती करते थे, लेकिन अब योगी मुख्यमंत्री जी इसको चेंज करके अब उसका एग्ज़ाम कराना की व्यवस्था पूरा बना दिए हैं और इसकी भर्ती भी निकली थी और 18 अप्रैल को एग्ज़ाम होने वाला था, लेकिन कोरोना काल चलते एग्ज़ाम टल गया है। तो ऐसे में जो इस समय कोई भर्ती कर दिया है तो उनकी भर्ती फर्जी मानी जाएगी, और ऐसे में जो भी फर्जी संदिग्ध शिक्षक हैं उनको देखा जा रहा है। और यदि ऐसा हो गया तो सब यदि उनको हटाया जाता है तो जितनी सीटें निकली थी अभी जूनियर में उसमें कहीं बढ़ोतरी हो जाएगी। विधि बीएड व्यावसायिक कोर्स की परीक्षाएं कराएंगे। विधि मतलब ला की, बीएड की और व्यावसायिक जो कोर्स होती है उसकी परीक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित जो भी कॉलेज है और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की परीक्षा जल्दी होगी। आप देखते हैं कि संबंध कॉलेजों के शैक्षिक सत्र 21-22 में विधि बीएड आईपीएस समेत अन्य प्रोफेशनल कार्यक्रमों की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। प्रवेश समिति की कोर कमेटी की बैठक में लेकर निर्णय पर कुलपति संगीता श्रीवास्तव ने मंजूरी दे दी है। सोमवार को प्रवेश प्रकोष्ठ की कोर कमेटी की बैठक प्रस्तावित है। बैठक में कई निर्णय लिए जाएंगे। जल्द टेंडर जारी कर एजेंसी की जांच की जाएगी। प्रोफेसर सिद्दीकी ने बताया कि एलएलबी अनर्स के अलावा बीएड, एमएड, एमपीएड, एमटेक, बीएफए, एमए, बीपीए, एमएबी के अलावा आईपीएस सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेकर विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा कराएगा। स्नातक एवं परंपरागत स्नातक पाठ्यक्रमों के प्रवेश को लेकर संशय बना है। बता दें कि देशभर के केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए एनटीए प्रवेश परीक्षा कराएगा। हालांकि प्रवेश को लेकर एनटीए ने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है, इसलिए विश्व प्रशासन स्नातक और प्रशासनिक पाठ्यक्रम में दाखिले पर कोई निर्णय ले सका है। यानी कि जल्दी कमेटी बन जाएगी और कमेटी गठन होने के बाद तुरंत ही इसका एग्जाम प्रवेश प्रक्रिया स्टार्ट होगी। एई के चयनितों की फाइल तैयार, जल्द होगी नियुक्ति। यूपीपीएससी इस हफ्ते शासन को भेज देगा नियुक्ति की संस्तुति। यानी कि यूपीपीएससी ने सम्मिलित राज्य अभियंत्र सेवा परीक्षा 2019 के तहत सहायक अभियंता के 580 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की फाइलें तैयार कर ली हैं और इस हफ्ते साधन को नियुक्ति की संस्तुति भेज दी जाएगी। परीक्षा का अंतिम चयन परिणाम 26 मार्च को जारी किया गया था, लेकिन कोविड के कारण आयोग में छुट्टी हो गई और लंबे समय से कामकाज प्रभावित रहा। चयनितों के अभिलेख 57 की प्रक्रिया के साथ उनकी नियुक्ति भी फंस गई है। 3 माह के इंतजार के बाद अभ्यर्थियों को अब राहत मिलने जा रही है। सहायक अभियंता भर्ती के विज्ञापन 1 दिसंबर 2019 को जारी किया गया था। तो ऐसे में इसका पूरा प्रावधान पूरा कर लिया गया है और इसी हफ्ते आयोग इसकी शासन को नियुक्ति की संस्तुति भेज देगा और जल्द ही इनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी और जहां में जिस जिले में जाना है उनको वहां भेज दिया जाएगा। पुरानी पेंशन बहाली व निजीकरण होने के लिए ट्विटर पर चलाया अभियान। ट्विटर के माध्यम से देशभर के कर्मचारियों ने दिखाया अपना रोष। अटेमा और NMOPS का दावा देश में पहले और दूसरे नंबर पहुँचा ट्रेड। यानी कि जो ट्विटर अभियान चला था काफ़ी ज़्यादा ट्विटर हुआ। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के आह्वान पर पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर शनिवार को देशभर के कर्मचारियों ने ट्विटर पर अभियान किया। पेंशन विहीन कर्मचारियों ने हैशटैग के माध्यम से प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाकर पुरानी पेंशन बहाली को निजीकरण को रोकने की मांग की। क्योंकि इस समय जो भी पेंशन है बंद कर दिया गया और जो इसमें निजीकरण है वो भी बहुत तेजी से चल रहा है, इसलिए
किसी भी विभाग के कर्मचारी हैं और ट्विटर के माध्यम से अपना संदेश पहुंचा रहे हैं पीएम सी के पास, क्योंकि इधर जब से सरकार आई है तब से देखा जा रहा है कि काफ़ी निजीकरण हो रहा है और लोगों की पेंशन तो बंद ही हो गई है। वैसे पेंशन बंद होना बहुत गलत बात है, क्योंकि बुढ़ापे में वही एक सहारा होता है। तो ऐसे में ट्विटर के माध्यम से देश भर के कर्मचारियों ने अपना रोष दिखाया है। अटेबाग के प्रदेश महामंत्री डॉक्टर देशपति त्रिपाठी ने कहा कि इस अभियान को सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। प्रदेश मीडिया प्रभारी डॉक्टर राजेश कुमार ने कहा, शिक्षक कर्मचारी व अधिकारी सोशल मीडिया का प्रयोग करना सीख गया है, वो अपनी बात को मजबूती के लिए साथ जिम्मेदारी तक पहुँचा रहा है। आईटी सेल प्रभारी अभिनव सिंह ने बताया कि शाम तक रिस्टोर ओल्ड पेंशन 7.33 लाख ट्वीट के साथ पहले नंबर और प्राइवेटाइजेशन नो सोल्यूशन 6 लाख ट्वीट के साथ दूसरे नंबर पर है। यानी कि ओल्ड पेंशन का 7.33 लाख ट्वीट हुआ है और प्राइवेटाइजेशन या निजीकरण का कुल 6 लाख ट्वीट हुआ है। इस प्रकार से काफ़ी ज़्यादा मतलब ट्वीट हुआ। इसके साथ देखते हैं कि आज की न्यूज़ में काफ़ी महत्वपूर्ण खबरें थी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण खबर यह थी TGT एग्जाम ने बढ़ाने की मांग, क्योंकि जिनकी तैयारी नहीं हुई उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण खबर है। और ये जूनियर स्कूलों में जो फर्जी शिक्षक है, यदि इनको बाहर किया जा रहा है तो जो भी एग्ज़ाम होने वाला है उसमें काफ़ी सीटें फिर बढ़ सकती हैं। और जिनको एंट्रेंस देना है लॉ बीएड का, उनके लिए भी खुशखबरी है कि जल्दी से इलाहाबाद विश्वविद्यालय कमेटी बना रहा है एंट्रेंस लेने के लिए। और जिनका भी AE में चयनित हुए हैं उनकी फाइल तैयार की जल्दी से नियुक्ति हो जा रही है। तो ऐसे में काफ़ी मदद मतलब दोस्तों, आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।